Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur. Can I help? Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is science and the chapter is friction. Friction means takrav ya gharshan, jise hum Hindi mein kehte hain takrav ya gharshan. So in this whole video we are going to learn about friction, types of friction, friction, unnecessary evil, method of reducing friction, ways of increasing friction and fluid friction. So somehow this chapter is going to be very interesting. So please don't forget to watch my video, full video, and don't forget to subscribe my channel and share my video as much as you guys can do. So friction जो है वो हम अपनी रोज़मर्रा means day to day life में हम उसे देखते हैं, but कुछ लोग friction word से aware ना होने के कारण उसे समझ नहीं पाते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो friction की वजह से हुई हैं. जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, जब हम साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, साइकिल चलते चलते ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद अपनी स्पीड को स्लो डाउन करने लगती है और फिर एक टाइम पर आने पर रुक जाती है. वो किस वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. यस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन कॉन्टेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन स्लोस डाउन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में, फ्रिक्शन कब होता है? फ्रिक्शन तभी होता है जब आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के क्या हो, कॉन्टेक्ट में हो, और जिसकी वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो डाउन हो जाए उससे हम कहते हैं फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स. सो बेसिकली फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फिसेस दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. तो फ्रिक्शन एक ऐसा बल है, एक ऐसा फोर्स है जो अपोज करता है दो ऑब्जेक्ट के बीच के मोशंस को. ओके, जब वो आपस में टकराते हैं या टकराव होता है उससे हम कहते हैं फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड इज बींग स्लोड डाउन बाई फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड. कि अगर एक बॉल को हम ज़मीन पे चला रहे हैं या हमने थोड़ा सा उसको पुश कर दिया, वो चल रहा था, हम देते कुछ टाइम बाद वो बॉल रोल करते करते ज़मीन की से जब उसका फ्रिक्शन होता है तो कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है और फिर वो रुक जाती है. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. सो दस द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सर्फेसिस इन कॉन्टेक्ट विच अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे हम बाइसिकल चला रहे हैं, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. एज यू पुल अवे द फॉरवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन सो यू स्पीड अप. कि जब हम जाते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे हम अपने बाइसिकल को पुल करते हैं तो क्या होता है, फोर्स हम ज़्यादा लगाते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन. जब हम उसे पुल करते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है. द फास्टर यू गो द ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे हमारा फोर्स ज़्यादा लगेगा तो क्या होता है, वैसे वैसे हमारा फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा. तो क्या करें, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस. स्मॉल फ्रिक्शन में क्या होता है, फोर्स जो होता है हमारा फॉरवर्ड लगता है. ठीक है ना, जब फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होता है तो फोर्स और भी तेज आगे बढ़ता है. सो इन अ सिंपल वे कहने का मतलब यही है कि एनी थिंग विच कम्स इन अ कॉन्टेक्ट विद ईच अदर विद इन अ सर्फेस, वैन अ सर्फेस इज कॉन्टेक्ट विद अनदर सर्फेस आर एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स जनरेटेड बिटवीन दैम इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स. ओके, जैसे कि इस एक्टिविटी के दौरान हम देख सकते हैं कि एक बुक है, बुक अपनी जगह पे एज इट इज़ रखी हुई है रेस्टिंग मोशन में, तो इस टाइम तो कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है. बट जैसे ही हमने उस बुक को पुश किया तो क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ. किसके बीच में हुआ, फोर्स और सॉरी बुक और टेबल के बीच में. जब हमने मोशन किया, जब हमने उसको फॉरवर्ड मूव किया तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है किसके, मोशन के डायरेक्शन में. अगर हमारा फॉरवर्ड अगर हम कर रहे हैं तो फोर्स फ्रिक्शन हमारा किधर जाएगा, अपोजिट जाएगा. अगर हम इधर मोशन लगा रहे हैं, मतलब अगर हम फ्रंट पे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमारा फ्रिक्शन किधर जाएगा, इसके अगेंस्ट में जाएगा. तो वन थिंग दैट फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो कंक्लूजन क्या निकला, द बुक मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट स्टॉप्स ऑन इट्स ओन बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन इट इन द अपोजिट डायरेक्शन विच इज अपोजिंग इट्स मोशन. कि जब हमने उसे पुश किया तो कुछ टाइम बाद वो बुक अपनी जगह पर रुक गई, कुछ टाइम आगे बढ़ के रुक गई. क्यों रुक गई, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कॉजेज क्या हैं, किन किन कारणों से फ्रिक्शन होता है. ओके, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज कॉज बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेस इन कॉन्टेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन टू सर्फेसेज.
कि फ्रिक्शन किन वजह से होता है, जब दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, इंटरलॉकिंग होती है। हमने देखा कि ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये बुक रखी हुई है, ठीक है ना। बट इट डजेंट मीन कि अगर वो स्मूथ है तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। स्मूथ है बट फिर भी हमें माइन्यूट छोटे छोटे फ्रिक्शन इरेगुलरिटीज देखने को मिलेंगे। बट अगर वो रफ है तो वही इरेगुलरिटीज हमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेंगी। बट फ्रिक्शन क्या होता है, दो इरेगुलरिटीज को आपस में क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं। क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सरफेस है, ये बुक का सरफेस है और ये टेबल का सरफेस है, तो अपनी जगह पे किस वजह से है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, कि वो एक दूसरे की इरेगुलरिटीज को क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरलॉक कर रहे हैं। सो दस वी कंक्लूड दैट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट एंड फ्रिक्शन डिपेंड ऑन मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या कहा जा रहा है कि ऑन रफ सर्फेसिस, वॉट ऑन रफ सर्फेसिस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज की रफ सर्फेस पे इरेगुलरिटीज हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। पर जहाँ पे स्मूथ होता है, ऑल दो वी आर सीइंग स्मूथ, बट कहीं ना कहीं छोटे मोटे वहाँ पे इंटरलॉकिंग हमें इरेगुलरिटीज देखने को मिलते हैं, पर वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, थोड़ा कम होता है। सो फ्रिक्शन इज कॉज बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सर्फेसिस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज विद टू सर्फेस आर प्रेस्ड हार्डर। और फ्रिक्शन कब इंक्रीज होता है, जब हम दोनों चीज़ को आपस में क्या कहते हैं, हार्डर प्रेस करते हैं। तो सिंपली इसका कंक्लूजन यही निकला कि नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड होता है फ्रिक्शन और मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, की जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास मतलब वेट कितना है। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, वो फैक्टर्स जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन आर टू थिंग्स, नेचर ऑफ टू सर्फेसिस। अगर वो रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और अगर वो स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा। और जो सेकेंड फैक्टर है वो है मास ऑफ स्लाइडिंग बॉडी, कि जो बॉडी स्लाइड कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये एक बॉडी होगी, ऑब्जेक्ट वन हो गया, ये ऑब्जेक्ट टू हो गया, तो ये जो मूव कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है मतलब वेट कितना है, इसके ऊपर भी हमारा फ्रिक्शन डिपेंड होता है। अब अगर कोई भारी चीज़ है, बहुत भारी चीज़ है, हमने इसको टेबल के ऊपर रख दिया है, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे एक पत्थर रख दिया है, और एक टेबल पर हमने क्या किया, एक टेबल पर हमने, ये एक टेबल, इसमें हमने बहुत भारी पत्थर रख दिया, ये सेकंड टेबल, और इसमें हमने क्या रख दिया, छोटी सी पेंसिल रख दिया, तो हम जब इसको पुश करेंगे तो ये इजीली आगे बहुत स्पीड में बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है। बट जब हम इसे पुश करेंगे तो ये बहुत धीमे बढ़ेगा आगे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, स्लाइडिंग बॉडी पे मास क्या है, इसका वेट अगर ज़्यादा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, और अगर मास अगर वो ऑब्जेक्ट अगर मास अगर कम है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। सो देयर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द फ्रिक्शन फोर्स, कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसका मास क्या है उसको मेजरमेंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट इन्वेंट किया गया, एक डिवाइस इन्वेंट किया गया जिसका नाम दिया गया स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, स्प्रिंग बैलेंस का इन्वेंशन जो है ब्रिटेन में हुआ अराउंड 1717 बाय रिचर्ड सॉल्टर। किनके द्वारा हुआ, रिचर्ड सॉल्टर के द्वारा, इनका सॉल्टर के द्वारा क्या हुआ, इनका इन्वेंशन हुआ किसका, स्प्रिंग बैलेंस का। स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि एक फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे कितना एक्ट कर रहा है उसके मेजरमेंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का करते हैं। इसमें क्या है, एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है जो स्ट्रेच करता है, तो जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग बैलेंस जो है वो क्या कर रहा है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग, यहाँ पे हमें हुक रहता है, इस हुक में हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, होल्ड करवा देते हैं, टाई कर देते हैं। ये ग्रेजुएटेड स्केल का मतलब क्या, आप नॉर्मल स्केल जो देखते होंगे उसमें देखते होंगे 0, 1, 2, 3, इनके बीच में 10 लाइंस बनी होती हैं, तो मतलब रेगुलर कैलिब्रेशन देखने को मिलते हैं, तो इन कैलिब्रेशन को कहा जाता है ग्रेजुएटेड स्केल। और ये पॉइंटर होता है जो दिखाता है कि कितना फोर्स के संग एक बॉडी जो है उसका मास क्या है। सो जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को अगर इसमें हम पिन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये स्केल पे मेजरमेंट हो जाता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है ना। सो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके। तो बेसिकली ये है आपका स्प्रिंग बैलेंस।
नाउ वी विल स्टडी अबाउट इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शंस. फ्रिक्शंस के इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो पहला जो है वो है फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, कि जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. मतलब मोशन के रिलेटिव मोशन क्या होता है, अगेंस्ट तो जाता है, कि जिधर फ्रिक्शन होता है, जिधर मोशन होता है उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है. सेकेंड इफेक्ट क्या है, इट प्रोड्यूसेस हीट. क्या कह रहा है, इट प्रोड्यूसेस हीट, की फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है. एग्जांपल क्या है, आप अपने हाथों को लीजिए, दोनों हाथों को आपस में ज्वाइंट करिए और उसको रब करिए. जब हम उसे रब करते हैं तो वहाँ पे हीट क्या होती है, जनरेट होती है. किसकी वजह से जनरेट होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. इन मशीन द मूविंग पार्ट्स गेट वेरी हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन. कभी कभी आप देखते होंगे, अगर किसी के पास मशीन होगी या पानी का ही मोटर देख लीजिए, जब वो चलता है तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसमें हम देखते हैं कि उसकी मोटर के चारों तरफ से थोड़ी सी गर्माहट फील होती है, थोड़ी गर्मी फील होती है. व्हाई, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर. वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपने जब हम चलते हैं, वी आर एबल टू वॉक, वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. हम पेन या चौक से बोर्ड पे या पेन से कॉपी पे लिख पा रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू वॉक, वी आर एबल टू राइट. ठीक, तो जब आपने नोटिस किया कि हमारे जो शूज़ हम कैरी करते हैं, जो शूज़ हम पैर में अपने पहनते हैं, उसके शूज़ ले लीजिए या स्लीपर ले लीजिए, ठीक, उसमें हम देखते हैं कि छोटे 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 उसमें नीचे स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं. क्यों होता है, ताकि वो क्या हो सके, ग्राउंड से ग्रिप कर सकें. और वो ग्रिप करते हैं कि उस वजह से, ताकि वो फ्रिक्शन को हेल्ड कर सकें. और इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो हमारे पैर के जो शूज़ जो हम पहने रहते हैं, उसकी जो सोल होती है वो क्या होती है, वो भी घिसती है. तो इसकी वजह से क्या होता है, टायर्स भी हैं, टायर्स भी जब क्या होती हैं, जब कार्स ट्रेवल करती हैं तो टायर भी वियर टीयर होती हैं. तो ये क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर ऑल्सो. एंड लास्ट पॉइंट इज, फ्रिक्शन प्रिवेंट सर्फेसिस फ्रॉम स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर. कि फ्रिक्शन क्या करता है, प्रिवेंट करता है किनको, एक दूसरे के ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने से, मतलब टकराने से करता है. जाहिर सी बात है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, टकराव या घर्षण नहीं होता, तो हम इजिली वॉक भी नहीं कर सकते. ओके, सो दीज आर द बेसिक इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, सो बेसिकली फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकेंड इज डायनेमिक, एंड थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन, जिन्हें हम वन बाय वन देखेंगे. स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना. स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि ये लिमिट कर देते हैं फ्रिक्शंस को. इफ वी पुश अ वुडन ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ टेबल विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स सच दैट इट डजंट मूव, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन टू सर्फेसेस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है ना, ये टेबल है, उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक है. हम जब इस पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि वो क्या हो रहा है, कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, मतलब अपनी जगह पे एज इट इज़ है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है. तो इस तरह के फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. मीन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन अ कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर इज नो एनी मोशन वी फेस इन दैट ऑब्जेक्ट, इन दैट टू ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. Thus, the static friction is the friction between any two bodies. When one of the body just tends to move or slip over the surface of another body, there is no actual movement of the body. ये कोशिश तो करते हैं movement की, but अगर movement नहीं हो रहा है, ठीक ना, तो that one is known as static friction. So that's why it is also known as limiting friction. क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, या तो हल्का सा स्लिप या स्लाइड कर देते हैं एक दूसरे की बॉडी के ऊपर, इसलिए ये कहीं ना कहीं फ्रिक्शन क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं. नाउ द सेकंड वन इज डायनेमिक फ्रिक्शन. डायनेमिक फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है, चलिए देखते हैं. बिकॉज इफ वी इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ वुडन ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ टेबल सच दैट द ब्लॉक स्लाइडिंग स्लोली, देन द फ्रिक्शन फोर्सेस एज स्लाइडिंग आर डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना. फिर हमने क्या किया, उस टेबल पे एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स पे हमने पहले एक बार में हल्का फोर्स लगा था, पर इस बार हमने जब थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होके यहाँ आ गया, स्लाइड कर गया थोड़ा सा भी, तो उसे हम कह देंगे डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. क्यों, क्योंकि उसने अपनी एक्चुअल पोजिशन से स्लाइड करके उसने अपनी ये पोजिशन वन थी और ये पोजिशन टू हो गई, तो उसने अपनी एक्चुअल पोजिशन क्या हुआ, मूव करके अपने नेक्स्ट पोजिशन पर आ गया, तो इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नाउ द नेक्स्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन. सो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई चीज रोल करती है, व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन देम इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन जब एक बॉडी सरफेस दूसरी बॉडी सरफेस पे क्या करती है, रोल करती है, उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन.
सो ऑल मूविंग बॉडीज लाइक जैसे कार हो गया, स्कूटर, बस, ये सब क्या इनके पास पहिया होता है? जब पहिया क्या करता है, सड़क पे क्या करता है, ग्राउंड पे क्या करता है, रोल करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसमें कौन सा फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है, रोलिंग फ्रिक्शन दिखता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव अ हैवी बॉडी ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बट इट बिकम्स ईजी टू मूव द सेम बॉडी विथ व्हील्स। तो क्या करें, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन में देखेंगे और किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, स्लाइडिंग में हमने देखा कि थोड़ा ज़्यादा पुश किया तो उसने अपनी एक्चुअल पोजीशन को चेंज करके सेकंड पोजीशन पे आ गया, पर अगर हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे व्हील लगा देते तो क्या होता, ये ऑब्जेक्ट जल्दी मूव करता। क्यों? क्योंकि ये रोल करते, और जब ये रोल करते तो अपनी दोनों सर्फेसिस में क्या होता, दोनों ऑब्जेक्ट में क्या होता, टकराव होता, और इसमें उसको हम क्या कह देते, रोलिंग फ्रिक्शन, और ये ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पर पहुँचने में इजिली पहुँच जाता। तो इन सब चीज़ों से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब भाई ये क्या बात हो गई, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये रोलिंग फ्रिक्शन के लिए व्हील है, ठीक, और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए हमने एक टेबल पे ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे मूवमेंट क्या और स्लो हो रहा है, जब मूवमेंट स्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे लेस है, पर ये तो रोलिंग है, तो रोलिंग क्या कह रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस, यहाँ पे फ्रिक्शन कम लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ रहा है इस ऑब्जेक्ट के, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें इंटरवल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक बार व्हील ऊपर जाएगी फिर वो नीचे आएगी, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे रोलिंग की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कम लग रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, किससे कम होता है, इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। व्हाई वी कंसीडर फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इविल, कि ये बुरा भी है पर ये हमें चाहिए भी और हमारे लिए ये बुरा भी है। तो चलिए इसी से देखते हैं व्हाई फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड एज अ नेसेसरी इविल। तो हम इसमें जानेंगे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज क्या बता रहा है, व्हाइल वॉकिंग वी पुश ऑब्लिकली ऑन द ग्राउंड एंड द फोर्स फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिएक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फुट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन हेल्प अस टू वॉक। तो ये है पहला एडवांटेज, ये कि जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी आर एबल टू वॉक प्रॉपरली, है ना। कि ये क्या होता है कि रोड अगर बारिश में भीग भी जाती है फिर भी क्या होता है, फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है पर इतना सफिशियंट होता है कि हम उस पर चल सकें। सो समहाउ फ्रिक्शन हेल्प अस टू मूव और टू वॉक इन रेनी सीजन्स ऑल्सो। सेकेंड क्या है, इट इज़ यूज इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स विथ आवर हैंड्स। क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने में हमारी मदद करता है, ठीक ना, ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्या होता है कि कुल्हड़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो क्ले पॉट्स होते हैं जिनमें हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, आप कभी ढाबे पर जाएंगे या फिर छोटी छोटी टपरियों पर जाएंगे तो चाय के जो कुल्हड़ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी के होते हैं, हम इन्हें ईजिली जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उन्हें पकड़ लेते हैं, पर अगर उसी पर ऑयल लगा रहता है तो क्या हम ईजिली पकड़ सकते हैं? नहीं, वहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा पर हम उसे कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके हम उसे पकड़ ही सकते हैं जब वहाँ पे फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट होता है तो। तो क्या कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी ग्रिप को भी होल्ड करने में ऑब्जेक्ट की हमारी मदद करता है। फ्रिक्शन इज़ यूज इन राइटिंग ऑन अ पेपर, फ्रिक्शन हमें पेपर पर लिखने में हेल्प करता है, चाहे वो पेन हो चाहे वो पेंसिल हो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्क्रूज एंड नील्स टू होल्ड इन वुड, और ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि जो हम स्क्रू ड्राइवर वगैरह के स्क्रू का यूज़ करते हैं और नील्स वगैरह का कील वगैरह के यूज़ करते हैं लकड़ियों में पकड़ने के लिए काफ़ी टाइम के लिए, ये होल्ड करने में इनको हेल्प करता है। ब्रेक ऑफ अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन, और जो हम ब्रेक लगाते हैं अपनी गाड़ियों पे, बाइसिकल वगैरह पे, वो भी किन की वजह से हो पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुल इन द रोटेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स। कभी आप देखते हैं मोटर या कोई मशीन चलती है तो फ्रिक्शन जो होता है ना, जो व्हील जो आपकी ऐसे चलती रहती है, जो आपकी जो व्हील होती है वो ऐसे चलती रहती है, उसमें दो व्हील्स हैं और वो आपस में क्या कनेक्टेड, और ये बेल्ट है तो ये भी क्या हो चल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन इसलिए भी हेल्पफुल करता है। रोप्स एंड स्ट्रिंग्स कैन नॉट टाई नोट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इफ देवर नो फ्रिक्शन, और जैसे रस्सियाँ वगैरह हो गई या धागे वगैरह जिनको हम बांधना चाहते हैं, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो बंध भी नहीं पाएंगी। तो समहाउ कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेजेस है। तो अब चलिए देख लेते हैं भाई कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए इन्हें एक नेसेसरी इविल कहा गया है। कि मतलब कहा जाता ना कि चाहिए भी नहीं पर रिक्वायरमेंट भी बहुत है, तो हम इनको बुरा भी नहीं कह सकते, इनको हम अच्छा भी नहीं कह सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, अभी तो हमने एडवांटेजेस देख लिया, देखते हैं डिसएडवांटेज क्या, इनके संग दिक्कत क्या है। When a body moves over another body, a part of energy is used in overcoming the force of friction. कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि फोर्स लग रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वेस्ट होती है।
सेकेंड चीज़ क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे जूते की सोल हो गई या वायर वगैरह जो वियर टीयर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें आपके क्या होते हैं रोड वगैरह पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से टायर वगैरह ख़राब हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। ना चाहते हुए भी मोटर चल रही है आपकी, पानी की मोटर चल रही है, उसमें अगर फ्रिक्शन हो तो उसमें गर्माहट होगी तो वहाँ पर गर्मी पैदा होगी। प्लस क्या होगा उसके संग, वो मशीनें जो होती हैं वो आवाज़ भी करती हैं, तो फ्रिक्शन अनवांटेड नॉइज़ को भी कहीं ना कहीं बुलावा करता है। ड्यू टू फ्रिक्शन अनडिजायरेबल हीट नॉइज सब कुछ क्या होती है प्रोड्यूस होती है। सो इफ द इंजन ऑफ अ कार स्कूटर एक्सेट्रा इज नॉट गिवन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑयल, द पिस्टन्स ऑफ सिलेंडर गेट सो हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन डेट गेट जाम। तो क्या कह रहा है कि अगर फ्रिक्शन की वजह से क्या दिक्कत होती है कि अगर इंजन और कार को या स्कूटर्स के जो इंजन होते हैं अगर हम उनको रेगुलर या कंटिन्यूअसली अगर हम उन्हें ऑयल वगैरह नहीं लगाते हैं तो सिलेंडर्स वगैरह क्या होते हैं उसके पिस्टन्स क्या होते हैं इनके जाम हो जाते हैं, और जाम होने की वजह से क्या होता है वो काफ़ी गर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें दोबारा ऑयलिंग करनी पड़ती है या उनकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। शूज़ वगैरह के जो सोल होते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से फट जाते हैं। सो देर आर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब तो फ्रिक्शन है भाई, कभी फ्रिक्शन को बढ़ा भी सकते हैं कभी फ्रिक्शन को घटा सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है बाई यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, ये एक तरह का क्या होता है लिक्विड होता है, लिक्विड क्या होता है सेमी लिक्विड होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों पर अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो सके एक लेयर फॉर्म हो सके लुब्रिकेंट की वजह से, ग्रीसी ऑयली लेयर फॉर्म हो सके और जिसकी वजह से क्या हो वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो। क्यों? क्योंकि जो माइन्यूट अनइवननेस होती है जो इररेगुलरिटीज़ होती हैं सर्फेसिस पे, तो जब हम इस पर लुब्रिकेंट को अप्लाई करते हैं तो ये क्या करती है इनको प्लेन कर देती हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से दो सर्फेसिस में सेपरेट हम इजी करने में या थिन लेयर को इनके बीच में एक थिन लेयर फॉर्म करने में इजली अवेलेबल और इजी होता है। सेकंड है मेथड, जो सेकंड मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का वह है कि पॉलिशिंग, कोई भी चीज़ को अगर हम पॉलिश करते हैं तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन क्या होता है थोड़ा सा वो कम हो जाता है। तो ये देर आर डिफरेंट मैथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है घर्षण बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ पे दिक्कतें होती है, तो यहाँ पे कुछ मैथड्स बताए गए जिनकी वजह से हम फ्रिक्शन को रोक सकते हैं। थर्ड है बाई यूजिंग बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग, कि बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग लगाने से क्या होता है फ्रिक्शन वहाँ पे भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं फ्रिक्शन को कम करते हैं। आफ्टर दैट इज़ बाय स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग क्या होती है कि जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जैसे फिश है, तो फिश क्या है फिश स्ट्रीम लाइन बॉडी में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ये एक ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, स्ट्रीम लाइन मतलब जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिनको हम इजिली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मैथड्स क्या करते हैं ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं ये एक स्ट्रीम लाइन फॉर्म करते हैं, और इनकी वजह से भी क्या होता है स्ट्रीम लाइन फॉर्म करने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शंस क्या होते हैं इनकी बॉडी में कम होते हैं। एयर एंड वाटर ऑफर द मैक्सिमम फ्रिक्शन, कि हवा और पानी ये दो ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, और उनको फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होती है स्ट्रीमलाइन जो बॉडीज़ होती हैं या स्ट्रीमलाइन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं मिनिमम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, किसके द्वारा जब बॉडी का शेप वैसा होगा इस वजह से। फिर है बाय व्हील्स, जैसे एक अगर हम एक सूटकेस को बिना व्हील के अगर हम खींचते तो थोड़ा हमें दिक्कत होगी वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, पर अगर हमने इसमें व्हील लगा दिया है तो उससे क्या हो जाएगा सूटकेस होने देगा फ्रिक्शन क्या हो गया कम हो गया। बाय एंटी फ्रिक्शन मेटल्स, उन मेटलों को इस्तेमाल करके जिसमें क्या होता है फ्रिक्शन कम होता है, जैसे व्हेन स्टील स्लाइड्स ओवर एन अलॉय ऑफ लेड द फ्रिक्शन इज लेस देन द व्हील स्टील स्लाइड्स ऑन स्टील। जब दो स्टील को हम आपस में स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर जब हम स्लाइड करवाते हैं तो क्या होता है फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, पर अगर हम उसमें लेड का इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा फ्रिक्शन कम होगा। बाय एयर कुशन, एयर कुशन क्या आता है जो ओवरक्राफ्ट वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं ना, जब हम नदी वगैरह में जाते हैं तो जो नदी या समुद्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है एयर कुशन हमें दिया जाता है, क्या करता है वो मूविंग एयर जो डजन कम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर सॉलिड सर्फिस इसके सर्फिस में नहीं आता, वहाँ पे क्या होता है फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब कुछ जगहों पे घर्षण बहुत कम होता है तो उनको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सरफेस को आप रफ कर देगा, सरफेस बहुत स्मूथ है कोई चीज़ अगर वहाँ पे नहीं टिक रही फ्रिक्शन की वजह से तो क्या करेंगे इसको फ्रिक्शन ना होने की वजह से वहाँ पे कोई अगर चीज़ नहीं अपनी जगह पे टिक रही है तो क्या करेंगे वहाँ पे हम अनइवन मतलब वो करेंगे उस सरफेस को रफ बना देंगे, थोड़ा सा उसको घिस देंगे या वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे ऊपर उबड़ खाबड़ तो क्या होगा उससे वहाँ पे उसकी ग्रिप हो जाएगी और वहाँ पे सरफेस क्या होगा वहाँ पे फ्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा। या फिर ड्राई सरफेस का इस्तेमाल किया जाए ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो थोड़ा हमें ज़्यादा देखने को मिले, जैसे अगर कोई जगह पे आपको कोई चीज़ स्मूथ
बनानी है और बारिश की वजह से वो जगह गीली हुई, तो वहाँ पर अगर हम बालू डाल देते हैं तो वो क्या होता है, वो सरफेस थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से सॉरी वहाँ पे थोड़ा सा सरफेस रफ होता है, जिसकी वजह से आप इजिली वॉक कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं वेट को, इससे भी फ्रिक्शन क्या होता है आपका बढ़िया हो सकता है बाय मेकिंग ग्रूव्स इन द सोल्स ऑफ शूज़। और शूज़ वगैरह में क्या होते हैं, अगर शूज़ वगैरह चल रहे हैं और चलते चलते घिस गए हैं, तो अगर उनकी सोल को थोड़ा थोड़ा आप नीचे से कट कर देंगे, गैप्स बना देंगे, होल बना देंगे, तो उसमें क्या होगा, इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है आपका बढ़ जाएगा। नाउ फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन बेसिकली व्हेन अ सॉलिड मूव्स इन अ लिक्विड और अ गैस, जब कोई एक सॉलिड चीज़ लिक्विड में या गैस में मूव ऑन करती है, तो क्या होता है कि सॉलिड चीज़ जो होती है वो एक एक्सपीरियंस करती है किस चीज़ का, फ्रिक्शन का, उसी फ्रिक्शन फोर्स को जो एक फ्लूड के द्वारा एक्जर्ट किया जाता है, जो लिक्विड या गैस के द्वारा एक्जर्ट किया जाता है, जिसको हम ड्रैग कहते हैं, इस कॉल्ड ड्रैग। इट इज़ एस्टैब्लिश दैट लिक्विड एक्जर्ट लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू द सॉलिड, ये तो चीज़ मानी गई है कि जो लिक्विड जो है वो कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है फ्रिक्शन कम होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे हमें इंटरलॉकिंग देखने को नहीं मिलती, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, पर फ्रिक्शन में ज़्यादा देखने को कहाँ मिलता है, सॉलिड चीज़ों में। तो जो सॉलिड चीज़ें जो एक्सपीरियंस करती हैं जब वो लिक्विड में या गैस में आती हैं, उसे कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, जैसे बोट्स वगैरह की जो बॉडी देखी जाती है वो क्या होते हैं, फ्रिक्शन ही तो शो करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन शो करते हैं ना, कि जब वो जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पानी में अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है ना, जैसे ये फिश है, जब ये फिश पानी में आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं ऐसे ऐसे वाटर करंट पास ऑन होते हैं, ठीक है, होती है बॉडी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी इनकी होती है, ठीक है ना। और ये क्या, ये सॉलिड चीज़ है, ये सॉलिड चीज़ है, और ये क्या है, लिक्विड या गैस, लीजिए तो गैस तो है नहीं, ये क्या है, ये लिक्विड है। तो ये क्या हुआ, जब सॉलिड चीज़ किसी लिक्विड में इंटरफेयर करती है तो वो क्या कहते हैं, वो सॉलिड चीज़ क्या एक्सपीरियंस करती है, एक फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमें पानी में और उनके बीच में क्या देखने को मिलता है, फ्रिक्शन देखने को मिलता है। तो जो फ्रिक्शन हम फ्लूइड में एक्सपीरियंस करते हैं उसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। क्लियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट डिपेंड्स ऑन फोर फैक्टर्स, और यही जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ये चार चीज़ों पर डिपेंड होती है, और वो चार चीज़ें क्या हैं आपकी, फर्स्ट है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, की जो आपकी फिश है वो कैसे मूव ऑन कर रही है, ठीक है ना, कि स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या जा रही है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, की फिश जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन में होगा। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब ये भी है कि एक स्टार फिश, ठीक है ना, और एक नॉर्मल फिश में बहुत डिफरेंस होगा, तो कहीं ना कहीं क्यों, क्योंकि जो ये फिश है इसकी बॉडी क्या स्ट्रीमलाइंड है, ठीक है ना, ऑल दो ये भी है बट इनके में और इनके शेप में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। फिर नेचर ऑफ फ्लूइड, देखना ये भी है कि जो फ्लूइड प्रेजेंट है जिसमें हमारा सॉलिड सब्सटेंस जा रहा है उसका नेचर कैसा, उस फ्लूइड का नेचर कैसा है। तो बेसिकली चार फैक्टर्स है जिसमें हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड होता है, पहला होता है स्पीड, दूसरा होता है साइज, तीसरा होता है शेप, और चौथा होता है नेचर। सो आई थिंक इसी के संग ये वीडियो यहाँ पे क्लियर होती है, आपको क्लियर हो गई होगी आई एम डैम श्योर। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर फ्रिक्शन, टिल देन टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।